हे गाइस, प्रियांशु दिस साइड। एंड आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने विंडो पीसी या फिर लैपटॉप के अंदर एक इंटरनेट स्पीड मीटर कैसे लगा सकते हैं। गाइस, आप नीचे मेरे टास्क बार में यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर कुछ स्पीड चल रही है। बेसिकली यहाँ पर अपलोड स्पीड एंड डाउनलोड स्पीड चल रही है। मेरा जो पीसी है वो कनेक्ट है इंटरनेट से, एंड यहाँ पर ये इंटरनेट स्पीड मीटर के थ्रू इंटरनेट स्पीड शो कर रहा है। बेसिकली यार, फोन के अंदर तो एक इनबिल्ट फीचर आता है, कंपनी प्रोवाइड करती है आपको, आप उसे सेटिंग में जाकर इनेबल कर सकते हैं शो कनेक्शन स्पीड को, एंड आप वहाँ पर अपनी इंटरनेट की स्पीड देख सकते हैं फोन के अंदर। लेकिन पीसी के अंदर कोई भी इनबिल्ट फीचर नहीं आता है, इसके लिए हमें एक टूल डाउनलोड करना पड़ता है और उसे सेटअप करना पड़ता है। सो यार, आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस करके दिखाने वाला हूँ कि आप टूल को कैसे डाउनलोड कर सकते हो, किस तरीके से आप उसे इंस्टॉल कर सकते हो, एंड किस तरीके से आप उसे सेटअप कर सकते हो। तो चलो यार, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। गाइस, सबसे पहले मैं अपने इंटरनेट स्पीड मीटर को यहाँ से अनइंस्टॉल कर देता हूँ, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ पर कंप्लीट प्रोसेस देखो। हम यहाँ पर बहुत ही छोटा सा टूल डाउनलोड करने वाले हैं, 3.5 MB का टूल हम डाउनलोड करेंगे इंटरनेट से, देन उसके बाद हम उसे इंस्टॉल करेंगे, देन उसके बाद हम उसे सेटअप करेंगे। तो यार, सबसे पहले मैं इसे अनइंस्टॉल कर देता हूँ, उसके बाद हम उस टूल को इंटरनेट से डाउनलोड करेंगे। सो गाइज, मैंने अपने सिस्टम से इंटरनेट स्पीड मीटर को कम्प्लीटली अनइंस्टॉल कर दिया है। आप यहाँ पर मेरे टास्क बार में देख सकते हैं, यहाँ पर अब इंटरनेट स्पीड मीटर शो नहीं हो रहा है। तो यार, टूल को डाउनलोड करने के लिए आपको सिंपली अपना फेवरेट ब्राउजर ओपन करना है, जो भी आप अपने सिस्टम के अंदर यूज करते हैं, एंड उसके अंदर आपको गूगल ओपन करना है। और गूगल ओपन करने के बाद आपको यहां पर टाइप करना है सिंपली सर्च बार में जाकर नेट स्पीड मॉनिटर, और जैसे आप इसे टाइप करोगे आपको यहां पर एंटर हिट कर देना है। सो जैसे आप इसे यहां पर सर्च करोगे, आपको बहुत सारी वेबसाइट जो है उन्हें शो करेगा। तो बेसिकली यार, ऑफिशियल वेबसाइट जो है इस टूल की वो है netspeedmonitor.net, बट इस वेबसाइट पर अभी एक प्रॉब्लम चल रही है कि यहाँ पर ये टूल डाउनलोड नहीं हो रहा है। ये जो वेबसाइट है ये हमें डाउनलोड पेज पर रिडायरेक्ट नहीं कर पा रही है। अगर आप करके देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो, क्या पता आप जब इस टूल को डाउनलोड करो ये प्रॉब्लम रिजोल्व हो गई हो। लेकिन हम इस टूल को डाउनलोड करने वाले एक जेन्युइन वेबसाइट से, और उस वेबसाइट का नाम है www.softpedia.com, जिसके अंदर हम यहाँ पर डाउनलोड नेट स्पीड मॉनिटर 2.5.4.0 वर्जन को डाउनलोड करेंगे। तो बेसिकली मैं इस वाले लिंक पर क्लिक करता हूँ यहाँ पर, जिसके आगे डाउनलोड नेट स्पीड मॉनिटर लिख रहा है, एंड आगे लिख रहा है सॉफ्टपीडिया। उसी के साथ मैं यहाँ पर सिंपली इसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करूंगा, एंड यहाँ पर मैं डाउनलोड बटन पर क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं यहाँ पर डाउनलोड बटन पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मेरे सामने एक छोटी सी विंडो ओपन हो जाती है। यहाँ पर ये दिखाता है नेट स्पीड मॉनिटर डाउनलोड लोकेशन, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पर फाइल का साइज बता रहा है, 3.2 MB की फाइल साइज है, और यहाँ पर ये बता रहा है USX86 एंड X64। तो बेसिकली ये X86 एंड X64 ये प्रोसेसर बेस्ड वर्जन है। तो अगर आपको पता करना है कि आपका प्रोसेसर कौन सा है, X86 है या फिर X64 है, तो आपको सिंपली अपना फाइल एक्सप्लोरर ओपन करना है। फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करने के बाद आपको दिस पीसी के अंदर जाना है, एंड आपको अपने माउस का राइट क्लिक करके यहाँ पर प्रॉपर्टीज के अंदर जाना है। जैसे आप प्रॉपर्टीज का ऑप्शन सेलेक्ट करते हो एंड उसके ऊपर क्लिक करते हो, यहाँ पर आपको शो हो जाएगा कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो X64 बेस्ड प्रोसेसर है या फिर X86 बेस्ड प्रोसेसर है। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ पर है मेरा X64 बेस्ड प्रोसेसर। तो यहाँ पर मैं सिंपली इस विंडो को क्लोज कर दूंगा, फाइल एक्सप्लोरर को भी क्लोज कर दूंगा, एंड यहाँ पर मैं X64 वाले को यहाँ पर सेलेक्ट करूंगा, एंड यहाँ पर ये थोड़ी ही देर में, कुछ सेकंड्स के अंदर ही आपके इस टूल को डाउनलोड करना स्टार्ट कर देगा। गाइज, यू कैन सी यहाँ पर मेरी जो डाउनलोडिंग है वो यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। तो सिंपली जैसे ही ये डाउनलोडिंग कंप्लीट हो जाती है, आपको उस लोकेशन पर जाना है जिस भी लोकेशन पर आपका ये टूल डाउनलोड हुआ है। सो यार, यहाँ पर मेरी डाउनलोडिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। मैं अपने ब्राउजर को यहाँ से क्लोज कर देता हूँ, एंड मैं यहाँ पर उस लोकेशन पर चला जाता हूँ जहाँ पर ये मेरा जो टूल है वो डाउनलोड हुआ है। सो बेसिकली यार, यहाँ पर मेरा जो टूल है वो कुछ इस तरीके का दिख रहा है। इस टूल को इंस्टॉल एंड सेटअप करने से पहले आपको इस टूल के अंदर एक छोटी सी सेटिंग करनी है। आपको इस टूल को सेलेक्ट करना है, अपने माउस का राइट क्लिक करना है, देन उसके बाद आपको इसकी प्रॉपर्टीज के अंदर जाना है। प्रॉपर्टीज के अंदर जाने के बाद आपको यहाँ पर कंपैटिबिलिटी इस ऑप्शन को यहाँ पर सेलेक्ट करना है। इस ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर रन दिस प्रोग्राम इन कंपैटिबिलिटी मोड फॉर प्रीवियस वर्जन ऑफ विंडोज, आपको यहाँ पर इस वाले चेकबॉक्स को चेक कर देना है और सिंपली यहाँ पर अप्लाई करके ओके कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर सिंपली इस टूल को इंस्टॉल करने के लिए इसके ऊपर डबल क्लिक करना है, और जैसे ही आप डबल क्लिक करोगे ये कुछ परमिशन वगैरह आपसे मांगेगा। तो यहाँ पर मेरी स्मार्ट स्क्रीन अभी लॉन्च नहीं हो रही है, तो सिंपली मैं इस प्रोग्राम को यहाँ से रन पर क्लिक करता हूँ। देन परमिशन देने के बाद आपके सामने यहाँ पर एक नेट स्पीड मॉनिटर की एक विंडो ओपन होगी। आपको सिंपली नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करना है,
इस लाइसेंस को आपको यहाँ से रीड कर लेना है अगर आपके पास टाइम है। तो रीड करने के बाद आपको सिंपली इस बॉक्स के ऊपर चेक कर देना है, एंड उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पर फिर से नेक्स्ट करना है, जो चीज़ बाय डिफ़ॉल्ट है आपको बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने देनी है। उसके बाद आपको सिंपली इंस्टॉल बटन पर क्लिक करना है। देन अगेन ये आपसे एक और परमिशन मांगेगा, तो आपको सिंपली यहाँ पर येस बटन पर क्लिक करना है, एंड उसके बाद आपको यहाँ पर फिनिश कर देना है। सो गाइज यहाँ पर जो है अब आपको अपनी फाइल एक्सप्लोरर को क्लोज कर देना है। सिर्फ टूल तो डाउनलोड हो चुका है, लेकिन आप यहाँ पर अभी भी देख सकते हैं टास्क बार के अंदर यहाँ पर हमें कोई भी इंटरनेट स्पीड वो टूल शो नहीं कर रहा है। उसके लिए क्या करना है, उसके लिए आपको अपने टास्क बार पर अपना माउस ले जाना है, अपने माउस को राइट क्लिक करना है, देन उसके बाद सबसे ऊपर टूल बार्स में जाना है और नेट स्पीड मॉनिटर इसके ऊपर आपको माउस को क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर माउस को क्लिक करते हो, जैसे ही आप माउस का क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से शो होगा, या फिर आपको यहाँ पर क्लो बिट पर सेकंड पर शो होगा। आपको अपने माउस का जो है यहाँ पर राइट क्लिक करना है, देन उसके बाद यहाँ से आपको मॉनिटरिंग ऑन कर देनी है। उसके बाद आपको फिर से यहाँ पर माउस का राइट क्लिक करना है, देन यहाँ पर आपको कॉन्फिगरेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हो, सो अब यहाँ पर हम इस टूल को अच्छे से सेटअप करने वाले हैं, जिससे कि अच्छे से यहाँ पर आपकी जो है स्पीड को कैलकुलेट करे और आपको बताए कि आपके पीसी के अंदर कितना डेटा यूज़ हो रहा है, या फिर कितनी एमबी की स्पीड आ रही है, कितने किलोबाइट की स्पीड आ रही है। तो यार सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना नेटवर्क इंटरफेस सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आप कौन सा इंटरनेट कनेक्शन यूज़ कर रहे हो अपने पीसी के अंदर। अभी ये सब आपको पता कैसे चलेगा, जैसे ही आप यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर बहुत सारी लिस्ट आपको मिल जाएंगी देखने के लिए, जितने भी आपके पीसी के अंदर इंटरनेट के कनेक्शन है उन सभी की लिस्ट आपको मिल जाएगी। तो आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाओगे थोड़े से, लेकिन इसे सेलेक्ट करने के लिए आपको सिंपली एक काम करना है, आपको यहाँ पर विंडो प्लस आर की को एक साथ प्रेस करना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है कंट्रोल। कंट्रोल टाइप करने के बाद आपको एंटर हिट करना है, जिससे क्या होगा कि आपका कंट्रोल पैनल ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर इसे थोड़ा सा नीचे कर देना है और आपको यहाँ पर व्यू बाय पर जाकर लार्ज आइकन्स को सेलेक्ट कर लेना है। आपको यहाँ पर नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर फाइंड करना है एंड उसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर चेंज एडेप्टर सेटिंग इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, एंड यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर जो है मेरा जो इंटरनेट कनेक्शन है यहाँ पर वाईफाई से कनेक्टेड है रेडमी 8 से। सो आपको सिंपली इसके ऊपर अपना माउस ले जाना है और जो भी यहाँ पर ये मैसेज शो करता है लाइक इंटेल आर ड्यूएल बैंड वायरलेस AC3165 इसी नेम को जाकर आपको अपने नेट स्पीड मॉनिटर के नेटवर्क इंटरफेस के अंदर जाकर सेलेक्ट कर लेना है। तो सिंपली यार मेरा ये वाला सेकंड वाला यहाँ पर आ रहा है, तो मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको बिटरेट सेलेक्ट करना है, यानी कि आप स्पीड जो है वो KB में चाहते हो या फिर MB में चाहते हो। तो मैं बेसिकली किलोबाइट पर सेकंड के अंदर स्पीड देखना चाहता हूँ कि मेरा PC जो है वो कितने किलोबाइट की स्पीड यूज़ कर रहा है इंटरनेट की। मैं यहाँ पर किलोबाइट पर सेकंड यूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद आप यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पर लेआउट पर आ जाना है। लेआउट पर आने के बाद आप यहाँ पर फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हो, यानी कि आपका जो इंटरनेट स्पीड मीटर है वो किस तरीके का फॉन्ट आपको शो करेगा। उसके बाद यहाँ से आप इंटरनेट स्पीड मीटर का साइज सेलेक्ट कर सकते हो कि आप कितने बड़े साइज में अपनी स्पीड को देखना चाहते हो। उसके बाद आप यहाँ पर आ सकते हो डेटाबेस के अंदर, यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं छेड़ना है। टूल टिप के अंदर आ सकते हो, यहाँ पर भी आपको कुछ भी नहीं छेड़ना है। अब मान लो कि अगर आपकी कोई भी सेटिंग बिगड़ जाती है और आपको इसे फिर से पहले जैसा करना है कि जैसे आपने टूल डाउनलोड करा था बिल्कुल ये वैसा हो जाए, तो आपको सिंपली इस रीसेट बटन पर क्लिक कर देना है, अप्लाई कर देना है और ओके कर देना है। तो बेसिकली यार हमने जनरल के अंदर एक सेटिंग करी थी, हमने अपना नेटवर्क इंटरफेस सेलेक्ट करा था, उसी के साथ हमने यहाँ पर अपने बिटरेट को सेलेक्ट करा था। मैं यहाँ पर सिंपली इसे अप्लाई कर देता हूँ और जैसे ही मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दिया वो जो विंडो है वो यहाँ से हाइड हो जाएगी। उसके बाद मैं अपने कंट्रोल पैनल को यहाँ से क्लोज कर दूंगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये शो कर रहा है U मतलब अपलोड स्पीड एंड D मतलब डाउनलोड स्पीड। और अगर आप इसके ऊपर माउस ले जाते हो तो ये आपको यहाँ पर स्पीड वगैरह भी शो करता है। तो अगर आपको यहाँ पर स्पीड चेक करनी है बिकॉज अभी यहाँ पर आप ब्राउजर सर्फिंग नहीं कर रहे हो, तो आपको सिंपली अपना क्रोम ब्राउजर ओपन करना है। और जैसे ही आप अपना क्रोम ब्राउजर ओपन करोगे यू कैन सी यहाँ पर आपकी स्पीड जो है वो फ्लक्चुएट करने लग जाएगी। सो गाइज मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, एंड अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, इन्फॉर्मेटिव के साथ साथ इंटरेस्टिंग भी लगा हो, कुछ नया सीखा हो आज की इस वीडियो से, तो यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कर देना।